नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस वीडियो को खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होगा और किससे जुड़ा होगा। ये वीडियो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। महिला सदन में भाजपा विधायकों का टाइम पास हो रहा है, ये वो वीडियो है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे, फिलहाल ये ट्वीट है अखिलेश यादव का। ये देखिए, ये विधायक जी हैं, ऐतिहासिक महिला सदन चल रहा था और भाजपा के विधायक तीन पत्ती खेल रहे थे फोन के अंदर और दूसरे जो विधायक हैं उनकी तो बात ही मत कीजिए, वो तंबाकू लेकर हाथ को मलते हुए नजर आ रहे थे। 22 सितंबर को जब सदन महिला सशक्तिकरण का गवाह बन रहा था, उस वक्त महोबा से भाजपा विधायक तीन पत्ती गेम खेल रहे थे। झांसी से भाजपा विधायक रवि कुमार शर्मा टेबल के नीचे से तंबाकू निकालकर खाते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है। बता दें कि महोबा सदर विधानसभा के विधायक है राकेश गोस्वामी और झांसी से भाजपा विधायक रवि कुमार शर्मा का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, एक में जो विधायक साहब हैं वो फोन लेकर तीन पत्ती खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हो, गेम खेल रहे हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर या महिला सदन जो स्पेशल सदन लगाता है ऐतिहासिक सदन उसमें, और दूसरे जो विधायक हैं वो खैनी चबा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और समाजवादी पार्टी ने भी इसको आड़े हाथों लेकर निशाना साधा है और ये मनोरंजन का अड्डा सदन को बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने एक ये भी आरोप लगा दिया है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर एक ऐतिहासिक सदन चल रहा था महिलाओं का 22 सितंबर यानी दो दिन पहले, वहां पर जो बीजेपी के विधायक है झांसी से महोबा से, तो उसमें एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें विधायक माननीय विधायक जी, पहले तो तीन पत्ती वाले विधायक जी का वीडियो वायरल होता है, दूसरे दिन विधायक जो तंबाकू निकाल रहे हैं टेबल से निकाल के चबा रहे हैं उनका वायरल होता है। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा में जो ऐतिहासिक दिन था वो महिलाओं के लिए था और योगी सरकार ने इसको स्पेशली इनवाइट किया था कि आज के दिन जो है वो महिला बोलें, जिसमें महिलाओं को लेकर के काफी गंभीरता दिखाई जा रही थी। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधानसभा में टाइम पास यानी मनोरंजन का अड्डा बना दिया गया है। बिल्कुल, और ये बहुत ही शर्मनाक। यादव ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या एक्शन लेंगे, क्या इन पर बुलडोजर के तहत कार्रवाई होगी, ऐसी मांग अखिलेश यादव कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि योगी सरकार पूरी तरह से तत्पर है कि महिलाओं को वही सम्मान मिलना चाहिए जिनकी वो हकदार हैं, अगर इस ऐतिहासिक दिन इस तरह से उन्हीं के विधायक हरकतें करते हैं या वीडियो गेम खेलते हुए तीन पत्ती खेलते हुए तंबाकू चबाते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं, तो इससे क्या समझ में आता है। एक तो विधानसभा की जो गरिमा होती है, जो सदन की गरिमा होती है, वो तो भंग हो ही रही है। साथ ही साथ आप कहते हैं कि महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है, आप उनका बहुत आदर करते हैं, यहाँ तो ना आदर दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे जागरूकता दिखाई दे रही है और ना इन्हें डर है। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के सदन के विधायक हैं और भाजपा के विधायक हैं, जिसमें कहा जाता है सबका साथ सबका विश्वास और नारी का सबसे पहले सम्मान। तो यहाँ पर जो सदन चल रहा था 22 सितंबर को वो महिलाओं के विधायकों का था, उस सदन में महिलाओं का ही स्पेशल दिन रखा गया था। उसमें विधायक जी जो महोबा के विधायक हैं राकेश गोस्वामी, वो अपनी तीन पत्ती में मस्त हैं, दूसरे विधायक हैं झांसी से रवि शर्मा, वो अपने तंबाकू चबाने में मस्त हैं। तो पहला तो ये कि नशे का कारोबार, नशे का एक अड्डा बना दिया गया है विधानसभा। दूसरा ये कि मनोरंजन का भी टाइम पास बन गया है। दो दो विधायक भाजपा से जो सत्ता में कई बार रहे हैं, अगर रवि शर्मा की बात की जाए तो ये तीन बार विधायक रहे हैं, इस बार तीसरी बार है, और अगर महोबा के विधायक की बात की जाए तो वो भी विधायक कई बार बने हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है कि जो विधानसभा की जो गरिमा की बात है, गंभीरता की बात है, वो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही है। विधायकों का इस तरीके का कृत्य कहीं ना कहीं विधानसभा को भी शर्मसार कर रहा है, और दूसरी चीज जो महिला का सदन है उस सदन पे भी दाग लगा रहा है कि एक तरफ तो सूबे के मुख्यमंत्री गंभीर हैं सदन को लेकर के, और योगी सरकार इस बात को मैसेज दे रही है कि महिलाओं के लिए वो कितनी गंभीर है, और यहाँ तक कि महिला सदन बुलाएगा, महिला सदन में विधायकों ने जिस तरीके से ये कृत्य किया है उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो गई है कि विधानसभा को शर्मसार कर दिया गया है।
इस पे समाजवादी पार्टी ने भी निशाना लगा दिया है और कोई एक्शन लिया गया है क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है और विपक्ष इस पर लगातार ट्वीट कर रहा है। देखिए अभी फिलहाल तो समाजवादी पार्टी ने आड़े हाथ लिया है, राष्ट्रीय लोकदल ने भी इसको टाइम पास बना दिया है और भी पार्टियां हैं जिनको लेकर के अभी भी हलचल मची हुई। हालांकि ये वीडियो अचानक वायरल हुआ है और अखिलेश यादव ने तो ये आरोप लगा दिया है कि उन भाजपा विधायकों का शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो बना करके वायरल किया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाजपा विधायकों का मनोरंजन कराने के लिए क्या भाजपा विधायकों ने ये खेल खेला है, सवाल ये है। लेकिन विपक्ष को एक नया मुद्दा मिला है और योगी सरकार में जो महिला सदन चलाया गया था उसको लेकर के सवाल खड़े हो गए। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तो यूपी विधानसभा में विधायकों का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दो वीडियो हैं, एक में एक विधायक जो है वो तीन पत्ती खेलते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे विधायक जो है वो तंबाकू बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो सदन की गरिमा है उसको तो चोट पहुंची है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए स्पेशल सदन रखा गया था जो कि ऐतिहासिक था, उसमें तमाम चीजें की जा रही हैं। तीसरा सवाल यह है कि खुद बीजेपी के विधायकों ने ही यह वीडियो बनाया है, तो ऐसे में क्या अंदर खाने कुछ और चल रहा है? विपक्ष को वाकई बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा, गंभीर मुद्दा जरूर मिल गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।